हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ फिरोज़ एंड यू वॉच टू फिरोज हॉस्पिटैलिटी ब्लॉग्स। गाइस, टुडे हम बात कर रहे हैं कि गल्फ़ और यूरोप में कौन से कंट्री बेस्ट है और कहाँ वर्क के लिए सबसे अच्छा है और कहाँ सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ हम जा सकते हैं जो हमारे फ्यूचर में स्कोप हमें बेटर हो। और आज के वीडियोज़ में हम यही बात करेंगे कि हमें स्टार्टिंग टाइम में गल्फ़ चूज़ करना चाहिए या यूरोप चूज़ करना चाहिए, दोनों में से कौन से कंट्री बेस्ट है। और हम यूरोप चूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है और हम गल्फ़ चूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। गाइस, बात कर ले यूरोप चूज़ करने का तो यूरोप के बहुत सारे फ़ायदे हैं और गल्फ़ चूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। किन लोगों के लिए गल्फ़ बना है और किन लोगों के लिए यूरोप बना है, तो गाइस बात कर लें कि जो लोग इनका फैमिली कंडीशन अच्छा है, स्टेबल हैं और उनको मतलब बैकग्राउंड अच्छा है तो वो यूरोप चूज़ करें। यूरोप में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप यूरोप में कम टाइम में आप वहाँ के पीआर वगैरह ले सकते हैं और पीआर लेने के बाद आप वहाँ पे रह सकते हैं। इसलिए आपको कल को वो किसी और कंट्री वहाँ से मूव हो सकते हैं, बड़े कंट्री जा सकते हैं जस्ट लाइक US, कनाडा, UK, यहाँ आप जा सकते हैं। और बात करें गाइस गल्फ़ से, तो गल्फ़ में पीआर तो मिलता ही नहीं है गाइस, इसका तो कोई नहीं। गोल्डन वीज़ा वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा, बिजनेस कार्ड मिलेगा, वो यूरोप में भी है। बट आपको कहिएगा परमानेंट रेसिडेंसी तो वो आपको कभी पॉसिबल नहीं है कि आपको गल्फ़ में प्रोवाइड करेंगे वो लोग। तो गाइस बात करें कि आप वर्क परमिट के साथ साथ वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है गल्फ़ में, तो गल्फ़ में आप वर्क परमिट के साथ साथ अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लाइफस्टाइल ठीक ठाक ही है गल्फ़ में, कोई उतना ख़राब नहीं है। बहुत सारे हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलीपींस भाई लोग वहाँ पर वर्क करते हैं। और यूरोप का बात करें तो यूरोप का थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेस भी थोड़ा हार्ड है, लेकिन हो जाने के बाद आपका फ्यूचर सिक्योर है गल्फ़ में, आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। और गल्फ़ में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। और गल्फ़ में बात करें गाइस तो गल्फ़ में क्या है, आपकी सैलरी भी इन कंपेयर यूरोप के कंपेयर थोड़ा कम है, बट आप यूरोप में काम करते हो तो यूरोप में आपकी सैलरी भी अच्छी है और यूरोप में करियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। और यूरोप का बात करें गाइस तो यूरोप में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप वहाँ पे वर्क करते हो तो वहाँ पे आपको वर्क के साथ साथ आप क्या बोलते हैं टाइम ड्यूटीज़ टाइम एक फिक्सबल होता है, 8 to 10 hours, 2 days तो वीकली ऑफ कंपलसरी है कि आपको यूरोप में मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसके बाद 95% कंपनीज आपको प्रोवाइड करेंगे 2 days, 5% कंपनीज़ अगर आपको 1 day प्रोवाइड करती है वीकली ऑफ तो भी नो इशू। मतलब यूरोप में आपको 8 छुट्टी महीने के तो मिलेंगे मिलेंगे, चाहे कोई से भी काम करो। वो 8 छुट्टी के अलावा आपके पर डे 8 घंटे शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बचता है कि आप किसी और काम को भी 4-5 घंटे ओवर टाइम कर सकते हो। बट गल्फ़ में यार आज भी लोग 12 घंटा 14 घंटा तक काम करते हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था और यूरोप की कानून व्यवस्था में बहुत डिफरेंट है यार। और बात करें यार गल्फ़ किन लोगों के लिए बना है, तो गल्फ़ गाइज आपका कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है और आप कम पैसों में जल्दी कमाना चाहते हैं या लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं तो आप गल्फ़ चूज़ करें, गल्फ़ में बेटर ऑप्शन है। गल्फ़ में आपके लिए सब कुछ कंफर्टेबल है, इतना भी ख़राब नहीं है गल्फ़ कि यूरोप से मतलब कि ये है, लेकिन गल्फ़ में आपको अच्छा खासा पैकेजेस भी प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपके पास स्किल्स है और आपके पास 4-5 साल का इंडिया से एक्सपीरियंस है तो अच्छा खासा आपको वहाँ पे पैकेजेस भी डेफिनेटली देंगे। और वही बात कर ले यूरोप की गाइस, तो यूरोप में थोड़ा सा वर्क परमिट लगने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम जाता है, मतलब 6 to 9 months तो अप्रॉक्स जाएगा ही जाएगा यूरोप के लिए वर्क परमिट के लिए। लेकिन आफ्टर योर वर्क परमिट इज़ कम्प्लीटेड टू यूरोप, बट योर डिपेंडेंट योर सैलरी इज़ हाई प्रोवाइड टू द यूरोप। एंड यूरोप के गाइस करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारे हैं डेफिनेटली, कि यूरोप वहाँ पे क्या बोलते हैं एक सब कुछ एक सिस्टमेटिक है, वो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनके पास स्किल्स हैं, जो वहाँ के मतलब क्या बोलते हैं आपके पास एक ऑर्डिनेटरी, मतलब आपको वो बंदे को हायर करेंगे, चूज़ करेंगे, उसके बाद वहाँ पे मतलब कंपटीशन बोले तो ज़्यादा है, लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं और सक्सेस रेट कम है। बट यूरोप के कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे आप अप्लाई करते हो, 4-5-6 महीने में आपके वर्क परमिट अप्रूवल हो जाते हैं और आ जाते हैं। और गाइस बात करें गल्फ़ में, तो गल्फ़ में आप विद इन 15 days, 7 days, 1 month जस्ट लाइक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट भी आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी आते हैं, आप उसमें जा सकते हो और वहाँ से बहुत सारे अर्निंग कर सकते हो। और गल्फ़ के एक अलग ही अपॉर्चुनिटीज़ है। गल्फ़ की बात करें गाइस तो गल्फ़ में बहुत सारे क्या बोलते हैं कि मतलब अर्निंग के सोर्स में अपने इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बहुत अच्छे हैं और उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है कि लाइक हम बोल सकते हैं कि हाँ गल्फ़ में हमें ये इश्यूज़ है या ये मतलब ये प्रॉब्लम है, नहीं। अगर इन कंपेयर किया जाए तो मैं हमेशा बोलूँगा कि आपने स्टडी किया, थोड़ा टाइम दिया, अपने आप को एक्सपीरियंस लीजिए,
आप 2-3 साल के एक्सपीरियंस लेने के बाद ही गल्फ ट्राई करें चाहे यूरोप ट्राई करें, दोनों का एक क्या बोलते हैं आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, तो वहाँ पे आपको अच्छे पैकेजेस देंगे और अच्छे पैकेजेस के बाद आपको चीज़ों को समझना, काम के बारे में कुछ भी पता होगा एटलीस्ट। फ्रेशर से कभी मत जाएं, मैं रिफेंड करूँगा, इंडिया हो आप अपने होम कंट्री में 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद ही आप किसी अनदर कंट्री के लिए अप्लाई करें जहाँ भी करें। और आप अगर यूरोप जा रहे हो तो कम से कम मिनिमम 4-5 ईयर्स का तो एक्सपीरियंस लेके जाइए गाइस, क्योंकि यूरोप में एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी वैल्यू है। और यूरोप जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट है, दोनों जगह मस्ट है, बट यूरोप में क्या है इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा प्रेफर है और वहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेजेस जितना जल्दी हो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि वहाँ पर लोकल लैंग्वेज आपका जब जिस कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे आपका वो प्लस पॉइंट हो जाता है, और वहाँ पे आपको प्लस पॉइंट होने के बाद वो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है उसके वजह से। अभी मेरे एक भाई थे, उन्होंने मेरे को कमेंट किया कि सर गल्फ़ के ऊपर वीडियोस बनाओ, तो उन्हीं का मैंने कमेंट देख के उसके बाद ही मैंने बनाया कि चलो गल्फ़ के ऊपर वीडियोस बनाए। तो आप डेफिनेटली, आपका कंडीशन अच्छा नहीं है और कम पैसों में ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो, आँख बंद करो और गल्फ़ चले जाओ गाइस। गल्फ़ में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, गल्फ़ कोई इशू नहीं है। और गाइज बात करें यूरोप, तो यूरोप अगर आपको है थोड़ा टाइम दो, अच्छी वैकेंसीज का वेट करो, कहाँ से जॉब अप्लाई करना है, कहाँ से क्या करना है, वो सब मैं बताऊँगा। आप मुझे मैसेज करेंगे तो इसका सारा डिटेल बताऊँगा, कौन से कंसल्टेंसी बेस्ट हैं या सेल्फ अप्लाई करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट है उसके, ये सारे टॉपिक्स पे हम धीरे धीरे बात करेंगे। और मैं खुद यूरोप के लिए ट्राई किया है और मेरा वर्क परमिट रोमानिया के लिए अभी कंफर्मेशन हुआ है, अभी मुझे थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा एटलीस्ट। तो मेरा वर्क परमिट कंप्लीट होने के बाद जब मैं रोमानिया जाऊँगा तो मैं खुद का अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ कितना टाइम लगा वो सभी मैं अपने वीडियोज़ के हर सीरीज़ में एक टॉपिक बाई टॉपिक वीडियोज़ आएंगे अपने। और जितना जल्दी हो सके गाइज यार फॉलो करो भाई को यार, जितने जल्दी हो सके अपने 1K का एक फैमिली बने, फिर अपन एक अच्छे से एक फ़ोन स्मार्टफोन बाय करें, और स्मार्टफोन बाय करने के बाद एक अच्छा कैमरा फ़ोन अपने पास हो जिसके कारण आपको कैमरा का क्वालिटी थोड़ा अच्छा हो और आपके साथ अच्छे से खासा ब्लॉग शेयर कर पाऊँ गाइज। तो यही डेफिनेटली डिफरेंट है गाइज कि यूरोप वर्सेस अपना गल्फ, जहाँ भी चूज़ करो अच्छा है, दोनों अच्छा है अपनी अपनी जगह पे, और दोनों में से किन लोगों के लिए कौन सा चूज़ करना चाहिए वो मैंने वीडियोस में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख के आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो कि हाँ कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट है और हमें कहाँ जाना चाहिए। तो चलो गाइज मिलते हैं किसी और वीडियो में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस वीडियो को करो, थोड़ा शेयर करो अपने जानने पहचानने वाले को जो कि यूरोप और गल्फ से रिलेटेड डाउटलेट है या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है किन्हीं का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को वहाँ से बहुत सारा हेल्प करूँगा। और गाइज एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, अगर आप भी कोई कतर के लिए इंटरेस्टेड हो तो अभी एक फ्री रिक्वायरमेंट चल रही है एक कंसल्टेंट में, तो आप वहाँ से इंटरव्यू कनेक्ट करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट कतर जा सकते हो। इस वीडियो का मेन मोटिव है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कतर जा सकते हो, गल्फ़ के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ है, और 24 to 29 के बीच इसका इंटरव्यू इन मुंबई होगा। अगर किन्हीं को इंटरेस्टेड हो इस वैकेंसी में तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको सारा डिटेल शेयर करता हूँ कहाँ जाना है कैसे जाना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये वैकेंसीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, अच्छे खासे पैकेजेस मिल जाएंगे। इवन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से है कुछ अपने आउट विदाउट होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से वैकेंसीज़ हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक रिजॉर्ट खुला है कतर में बहुत अच्छा, अभी मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट मेरे पास सबमिट होता तो मैं भी इस इंटरव्यू में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ मैं भी मिलता, लेकिन मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट यूरोप के लिए सबमिट है एम्बेसी में है, तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो अगर अपॉर्चुनिटी रहता तो मैं भी आप लोगों के साथ मिलता, लेकिन जिन भाइयों को इंटरेस्टेड है वो जा सकते हैं। इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि गाइज यूरोप गल्फ वर्सेस यूरोप, और ये फ्री रिक्वायरमेंट का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो इस वीडियो को जितना हो सके गाइज उतना फॉलो करें, शेयर करें दोस्तों को, और चैनल को अपने सब्सक्राइब करें, और जितने भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड अपने भाई हैं या जिनको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो उनको अपना लिंक ट्रांसफर करें, उनको भी सब्सक्राइब कराए। आप लोग थोड़ा फॉलो करोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग सब्सक्राइब करोगे मुझे सपोर्ट करोगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए जितना अच्छा हो कंटेंट तैयार करूँगा, जितना अच्छा हो बातें करूँगा, जितना अच्छा हो मतलब इम्प्रूवमेंट करके वीडियो आप लोग तक मैं जितना हो सके पहुँचाऊँगा। मुझे ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं आती और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है इसको, ये वर्क के साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करना अपना खुद का एक्सपीरियंस और हर क्वेश्चन का आंसर देना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हम मुझे भी काम के साथ हर चीज़ को लेके जाना, लेकिन जो होता है मैं रियलिटी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जितना भी हो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ,
और इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि गल्फ वर्सेस यूरोप, तो मैंने वो क्लियर किया और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है गाइज़ वो मैंने क्या बोलते हैं शेयर किया आप लोग के साथ, आप लोग देख सकते हैं। और एक और प्लस पॉइंट बताता हूँ, जो भी जॉब से रिलेटेड या कुछ भी इंडिया एब्रॉड गल्फ कुछ भी अगर किन्हीं को इश्यूज़ है या इंडिया में किन्हीं को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जॉब नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं जहाँ तक हो सके आप लोग को जॉब भी प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। मैंने बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड किया है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एंड किसी भी पोजिशन पर, और जहाँ तक हो सके तो मैं अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड किन्हीं को नेगेटिव नहीं करना चाहूँगा। आप आए, आपको जॉब इशूज़ है, लाइफ स्टाइल इशूज़ है, कुछ भी यानी क्वेश्चन है आप मुझे मैसेज करें, मैं जहाँ तक होगा आप लोगों का सॉल्व करूँगा। अभी कल मेरे एक भाई ने हरियाणा से मुझे मैसेज किया, बताया सर मैं 4 to 5 years इतना वर्क किया, अभी मैं रेस्टोरेंट डालने का सोच रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगा उनसे बात किया, उन्होंने मुझसे कुछ राय मांगी, मैंने उनके साथ कुछ शेयर किया, तो अच्छा लगता है मुझे भी यार आप लोग जब मुझे सपोर्ट करते हो, अलग अलग जगह से फ़ोन करते हैं हमारे सब्सक्राइबर हमसे बात करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखें और मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइज, क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है, 6:30 होने को है, तो अभी अपन ड्यूटी का भी टाइम हो गया है, तो अभी अब ये वीडियोस कल तक अपलोड करेंगे गाइज, तो देखो इन्जॉय करो, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज करो, डेफिनेटली आप सभी के साथ हूँ मैं। और जितना हो सके यार सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक, क्योंकि आप लोग सपोर्ट जितना जल्दी करोगे हमारा जितना जल्दी 1K फैमिली होगा, फिर आप लोगों के लिए एक बोनस बहुत अच्छा ऑफर, मैं लोगों को मेरा सपना है कि कुछ लोगों को मैं अपने CVs और कवर लेटर्स फ्री में बना कर दूँ, तो आप लोग अभी स्टार्टिंग मेरे को सपोर्ट करो, फिर इन फ्यूचर मैं आपको जहाँ तक होता वो तो देता हूँ, लेकिन मेरा एक शौक है कि मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर जो मुझे शुरू से जीरो से हीरो तक बनाने में जो हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको मतलब हमने रखा है, तो उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट CV एंड कवर लेटर बना के देंगे उनको। ये मेरा एक मतलब क्या बोलते हैं खुद का एक ये सपना है कि लोगों को चलो अपने तरफ से एक CV एंड कवर लेटर गिफ्ट करेंगे। तो गाइज आप लोग ऐसे ही प्यार बना के रखो, जो जो रहेंगे उन सभी को मैं हेल्प करूँगा, और यूरोप गल्फ से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड किन्हीं को भी जॉब से रिलेटेड कुछ भी इशूज़ हो तो मैं हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, जहाँ तक हो टाइम मेरे पास जहाँ तक बचेगा मैं आप लोग के साथ दूँगा, अभी डेफिनेटली दूँगा। अभी मैं घर गया था अपने गाँव, तो इसलिए 10-12 दिन से कोई वीडियोज़ अपलोड ही नहीं हुआ, तो आज से कल तक ये वीडियोज़ अपलोड रहेगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइज, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।